नमस्कार जनाब, हम अभी लद्दाख से श्रीनगर जा रहे हैं, लेकिन ये जो सपना होता है लद्दाख से श्रीनगर जाने का, देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है गूगल पे, लेकिन इतना आसान तो है नहीं। आपने ये पूरा सफर तय किया है, आपके वजह से बहुत सारे लोग जो ये सफर तय कर पाते हैं। ये इस सफर के बारे में बताइए कि ये जेके एस आर टी सी का सेवा कहाँ से कहाँ तक होता है? JKSRTC का सेवा हर जगह है मौजूद। श्रीनगर से लेह भी जाती है गाड़ी, लेह से वहाँ पर मनाली भी जाती है, जो लद्दाख में साइड सीन है वो भी करवाती है, और जो यहाँ पर हमारा JKSRTC यार्ड है श्रीनगर में TRC से, वहाँ से दिल्ली भी गाड़ी जाती है, वॉल्वो बस है हमारे पास, और वहाँ से हम जम्मू भी, किश्तवाड़ भी, डोडा, राजौरी, पूंछ, हर जगह JKSRTC सर्विस चलती है। और मैं आपसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जर्नी कर रहे हो इस सफर में, आपने मेरे साथ जर्नी किया है ले तक, और ले से वापस भी आ रहे हो मेरे साथ, आपको कैसे लगा JKSRTC की सर्विस? देखिए, सर्विस बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट की सर्विस है तो बहुत एक श्योरिटी भी होती है, लेकिन अगला सवाल ये भी होना चाहिए कि जो लोग दूर से आते हैं उनको ना उतना पता नहीं होता, तो प्राइवेट प्लेयर के पास जाते हैं, और प्राइवेट लोग जो होते हैं वो कुछ भी दाम लेते हैं, तो इसके लिए उन्हें किससे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उनका कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखो, हमारा तो JKSRTC.com भी है, जो हमारा JKSRTC.com करेगा उस पर भी वो टिकट ले सकता है, और TRC में जो भी वहाँ दिल्ली से या जो भी बाहर से आएगा वो TRC में आएगा, हमारे काउंटर से टिकट कलेक्ट करेगा लद्दाख के लिए। और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि जो भी बाहर से आए वो रोडवेज की ही गाड़ी में सफर करे, क्योंकि ये जर्नी सेफ होता है, इसका ड्राइवर ट्रेन होता है, क्योंकि इसकी गाड़ियाँ अच्छी होती हैं। आपने मेरे साथ सफर किया यहाँ पर, इन सवारी ने आपको कभी लगा कि मैंने ऐसे ब्रेक दिया, खूब खाया किसी सवारी ने, उठ खड़ा हुआ, कि आपको मजा आया इस सफर में? हमें भी यही चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के जो सर्विस है उनको बढ़ावा दें, उनको प्रमोट करें, लेकिन फिर भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं और खुद की गाड़ी लेके रहे हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे कि कहाँ कहाँ पे उनको रुकना है, कहाँ कहाँ पे उनको जो है वार्निंग होगी या उनको संभाल के जाना है? देखो, अगर बाहर से कोई गाड़ी आए उसको ले जाना होता है, इसको तो पहले ही पता है, जब सोनमार्ग से आगे जाएंगे जोजिला पास, वहां पर गाड़ी आहिस्ता से चलाना होता है, कोई घबराने की बात नहीं है, ना तो तेज चलाने की जरूरत है, अपने साइड से गाड़ी निकालो। फिर जब लेह की तरफ जाओ आप, कारगिल छोड़ कर जाओगे लेह, फिर तो आता है नमकीला, फुतीला आता है, उसमें चढ़ाना गाड़ी होता है, फिर उतारना गाड़ी होता है, चढ़ाने में गाड़ी गर्म होती है और उतारने में ब्रेक गर्म, व्हील गर्म होते हैं। कि बड़ी गाड़ी चलाना इन रूटों पे मामूली बात नहीं है, ये एक ट्रेन ड्राइवर ही चला सकता है, छोटी गाड़ी तो बच्चा भी ले सकता है कहीं भी, क्योंकि ये हिली एरिया है, जब आप हिली एरिया में चढ़ोगे तो पहले गाड़ी का सोच रहे, गाड़ी गर्म होती है, फिर जब उतराई आएगी आपको 100 किलोमीटर नीचे उतरना है, आपको ब्रेक भी ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्हील गर्म नहीं होनी चाहिए, अगर व्हील गर्म होगी तो वहीं पर पंचर हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतना बड़ा और रिस्की काम कर रहे हैं, लेकिन फैमिली को समय दे पाते हो? और क्या, हाँ कोई टेंशन नहीं, हम जब मैं तो लद्दाख से आया, अभी आज मुझे हो गए 2-3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद तो मैं घर ही जाऊंगा, 2 दिन घर में रहूंगा, फिर गाड़ी को भी वर्कशॉप में नजर मजर मारेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट फेरा लगेगा धन्यवाद। आराम से।